जब हमारा देश आजाद हुआ था, अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं हम, तो लगभग 38 साल एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी एक औरत की, और 39 इयर्स थी एक आदमी की। अभी आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 इयर्स हो गई है और औरत की 70 हो गई है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? This is Vidushi and you are watching the Good Health Show. एक अच्छी सेहत के लिए क्या-क्या जरूरी है? एक अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीन को लेकर हमारे माइंड में काफी डाउट्स आते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है या फिर कि हमें इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और इन्हीं सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एस कुमार। हाय सर, कैसे हैं आप सर? सर, आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में, और काफी सारी कंफ्यूजन लोगों के माइंड में होते हैं वैक्सीन को लेकर। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि वैक्सीनेशन कितने टाइप की होती है और क्या रोल रहता है हर वैक्सीनेशन का किसी भी बीमारी के लिए? मैम, वैक्सीन कई प्रकार की होती है, जैसे कि कुछ लाइव वैक्सीन होती है, कुछ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं, और कुछ किल्ड वैक्सीन होती हैं। फिर उनको देने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ मुँह से ओरली दी जाती हैं, कुछ सबक्यूटेनियस दी जाती हैं, और कुछ इंट्रामस्कुलर दी जाती हैं। और इनका रोल ऐसे काम करती है वैक्सीन कि वैक्सीन एक तरह से आप मिनी इन्फेक्शन मानिए, छोटी इन्फेक्शन, वो आपकी बॉडी में डाल दी जाती है और वो अंदर जाकर एंटीबॉडीज बनाती है उसी बीमारी के खिलाफ जिस बीमारी की हम वैक्सीन देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। एंड सर, जैसे अभी मतलब बीमारियां आती जाती रहती हैं और काफी बहुत ही लाइक कोविड आया और डेंगू भी चलता है, तो एडल्ट्स और किड्स को ऐसी कौन सी वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए? मैम, देयर इज अ लिस्ट ऑफ बहुत सारी वैक्सीन हैं जो हमें लेनी चाहिए। जन्म पे हमें BCG, ओरल पोलियो, हेपेटाइटिस बी, 1.5 महीने पे DTaP, IPV, पोलियो के इंजेक्शन, HIV, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, रोटा वायरस, फिर 2.5 महीने पे भी यही वैक्सीन, फिर 3.5 महीने पर भी यही वैक्सीन, 6 महीने पर इन्फ्लुएंजा, 7 महीने पर इन्फ्लुएंजा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी वैक्सीन रही है, 9 महीने पर MMR लेनी चाहिए, 10 महीने पर टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन लेनी चाहिए, 12 महीने पर जैपनीज इंसेफेलाइटिस फर्स्ट डोज लेनी चाहिए, 13 महीने पर हेपेटाइटिस ए की फर्स्ट डोज और जैपनीज इंसेफेलाइटिस की सेकेंड डोज लेनी चाहिए, MMR और चिकन पॉक्स 15 महीने पर लेनी चाहिए, फिर न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन 17 महीने पर लेनी चाहिए बूस्टर के फॉर्म में, फिर बूस्टर ऑफ DTaP, IPV, HIV, हेपेटाइटिस भी 18 महीने पर लेना चाहिए, 19 महीने पर बूस्टर ऑफ हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स लेना चाहिए, फिर टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन का बूस्टर आता है, मेनिंगोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लेनी चाहिए, फ्लू वैक्सीन ईयरली लेनी होती है, उसके बाद 5 साल पे कुछ लिस्ट ऑफ वैक्सीन है, फिर 10 साल पे है, फिर 15 साल पे है, फिर कुछ एडल्ट वैक्सीन हैं जैसे कि टाइफॉइड आपको एडल्ट को ज़रूर लेनी चाहिए, हेपेटाइटिस बी बूस्टर्स लेने चाहिए, TDAP लेना चाहिए, पहले TT देते थे अब TDAP लेना चाहिए, लड़कियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जिसको हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बोलते हैं। तो 10 से 16 साल के बीच में उसकी 2 डोजेज होती हैं, 10 से 16 साल के बाद उसकी 3 डोजेज होती हैं, 10 से 45 के बीच में हर लड़की को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन लेनी चाहिए, एडल्ट्स को अप टू 45 ईयर्स जैपनीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन लेनी चाहिए, चिकन पॉक्स बूस्टर लेने चाहिए, सेम 60 ईयर्स पर जाकर हमें कुछ बूस्टर्स रिपीट करने होते हैं। ये सब वैक्सीन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे हमारी प्रतिरोधक शक्ति ठीक रहती है
और हमारी बीमारियां बहुत कम होती। सर जैसे आपने बताया कि टाइम टू टाइम वैक्सीन लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा लगता है कि अभी भी जो वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए वो काफी कम है, और मुझे लगता है कि इसका मेन रीजन है कि काफी सारे मिथ और मिसकंसेप्शन जो वैक्सीनेशन को लेकर सबके दिमाग में रहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उस पर थोड़ी लाइट डालें। मैम, वैक्सीन को लेकर मिथ सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर के देशों में भी बहुत सी जगह तो वैक्सीनेशन को मतलब वैक्सीनेशन से लोग बचते हैं और काफ़ी वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। बट वैक्सीनेशन एज अ डॉक्टर मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन के प्रति कोई मिथ्स रखने का फायदा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन के मिनिमल कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, वैक्सीन का बेनिफिट होता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, तो लगभग 38 साल एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी एक औरत की, और 39 ईयर्स थी एक आदमी की। अभी आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स हो गई है और औरत की 70 हो गई है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? पहले अगर टाइफाइड हो जाता था तो लोग मर जाया करते, या अपने आप ही ठीक हो जाते थे। आपको MMR हो गया, कन्फेड हो गया, DPT हो गया, गलगोटू हो गया, कुछ भी हो गया, तो टेटनेस हो गया। कितना कॉमन था पहले टेटनेस, अब तो नहीं होता है। ये सब वैक्सीन्स की वजह से हमारी लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ इतनी अच्छी और लंबी होने लगी है। तो इसलिए मिथ्स रखने का कोई फायदा नहीं है। लोगों को मिथ्स होते हैं, हम वैक्सीन लगवाएंगे हमें दौरे आ जाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे आधे लोग तो इसलिए लगाते कि वैक्सीन के बाद बुखार आता है। अब तो इतनी सेफ वैक्सीन आ गई, फीवर भी नहीं आता है हमारे वैक्सीन के बाद। तो कोई मिथ होना नहीं चाहिए वैक्सीनेशन की। रिएक्शन किसी को लाखों में एक हो जाए, वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, वो क्रोसिन की गोली से भी हो सकता है, और वो वेल मैनेज होता है। डॉक्टर्स के सामने डॉक्टर अपनी OPD में अगर लगाते हैं तो उस अगर खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन हो तो उसके लिए वो तैयार होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स विल बी एबल टू मैनेज द रिएक्शन। तो इसलिए कोई मिथ होने नहीं चाहिए। एंड सर जैसा आप बात कर रहे हैं साइड इफेक्ट्स की, कि ऐसा कोई पर्टिकुलर साइड इफेक्ट होता नहीं है, लेकिन अगर वंस इन अ वाइल होता है तो कंसल्ट द डॉक्टर। यस मैम, नॉर्मली देयर विल बी नो साइड इफेक्ट। आपको छोटी मात्रा में वही बीमारी डाली जा रही है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, लोकल हल्का सा रिएक्शन उस जगह पे हो सकता है, लाली आ सकती है, हल्का सा पेन हो सकता है, हल्का सा फीवर हो सकता है किसी किसी को। मैम अब उसकी सॉल्ट से एलर्जी है, तो किसी किसी को लाखों में एक व्यक्ति को उससे एलर्जी है, तो उसके लिए अगर हॉस्पिटल में लगा है, क्लिनिक में लगा है, तो क्वालिफाइड डॉक्टर इमीडिएटली मैनेज द रिएक्शन। तो इसलिए कोई चिंता की बात है नहीं। वैक्सीनेशन शुड बी प्रमोटेड। पोलियो वैक्सीन इसका कितना अच्छा उदाहरण है, हमारा देश पोलियो फ्री हो गया है। ओरल पोलियो प्रोग्राम सरकार ने चलाया, रेगुलर दिया, बहुत मेहनत की, डोर टू डोर जाकर दिया, आज भी चलाते हैं पोलियो रविवार, हमारे देश में से पोलियो खत्म हो गया। तो इसी तरह जब हम वैक्सीन, पहले स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कैसे हुआ, मैम सबको वैक्सीन लगी तो स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया। तो जब हम रेगुलर वैक्सीन यूज करते हैं तभी बीमारी खत्म होती है। सर ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ ऐसा है जो हमें करना चाहिए? हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मेरी अपनी राय है और मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई वैक्सीन ले तो जिस जगह पर वैक्सीन लग रही है उस जगह पर बर्फ की सिकाई जरूर करें। लोग क्या होता है, गर्म कपड़े की सिकाई करने लग जाते हैं जिससे वो पक जाता है। जहां पर भी वैक्सीन लगे वहां कोल्ड कंप्रेसेस करने चाहिए। कोल्ड कंप्रेसेस करने से कभी भी कोई इंजेक्शन पकेगा नहीं और दर्द भी नहीं होगा। एंड सर कैन यू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी? मैम व्हेन मोर देन 80% पीपल, जब एक पॉपुलेशन में 80% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, तो उन सब के अंदर प्रतिरोधक शक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो वाइल्ड माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया या वायरस, उस एरिया से खत्म हो जाते हैं। तो वो स्प्रेड जो होता है, अब आपको भी है प्रतिरोधक शक्ति, मुझे भी है, इनको भी है। प्रतिरोधक शक्ति जब ज्यादा होगी तो एक से दूसरे का स्प्रेड रुक जाता है। कोविड इज सच अ गुड
एग्जांपल इंडिया ने इतना अच्छा कोविड का प्रोग्राम कंडक्ट किया है, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोग्राम कंडक्ट किया है, हर्ड इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो गई है। आप ये देखिए कि पिछली दो वेव में डेथ रेट इतना कम हो गया है और एडमिशन रेट इतना कम हो गया है, जबकि जब सेकेंड वेव आई थी तो कितनी ज्यादा मौतें हुई है पूछिए मत। तो प्रतिरोधक शक्ति हर्ड इम्यूनिटी से इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो स्प्रेड ऑफ डिजीज बहुत कम हो जाता है और वो इतना माइल्ड हो जाता है कि पूछिए मत। तो सर हम ये समझ सकते हैं कि वैक्सीन से काफी चेंज देखा गया है सोसाइटी में, चाहे वो पोलियो हो चाहे वो कोविड हो, एंड इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट मैम, पोलियो कोविड नहीं, जो भी बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल हैं हमें वो सारी लेनी चाहिए, किसी भी वैक्सीन को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर मैं जानना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस बीइंग अ डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि कितनी है? मैम बड़े शहरों में तो लगभग सारे पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं, पेरिफ्रीज में अभी भी मिसकंसेप्शंस हैं। सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को बुला बुला कर वैक्सीन लगाने के लिए, घर घर जाकर लगाने के लिए, पर भारत सरकार बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाती है जो घर घर जाकर वैक्सीन लगाते हैं आंगनबाड़ी से, पर फिर भी पेरिफ्रीज में छोटे शहरों में या छोटी तहसीलों में कस्बों में अवेयरनेस की अभी बहुत ज़रूरत है। एंड एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि जैसे डेंगू टाइफाइड को लेकर वैक्सीन है, लेकिन डेंगू मलेरिया को लेकर अभी वैक्सीन नहीं आई है, तो आपको क्या लगता है कि कमिंग डेज इन कमिंग ईयर्स इनकी वैक्सीन आ जाएगी? यस मैम, डेंगू वैक्सीन तो बिल्कुल बनने वाली है, बिल्कुल मार्केट में कभी भी आ सकती है, उसकी स्टेज 3 ट्रायल पूरी हो चुकी है। टाइफाइड की इतनी इफेक्टिव वैक्सीन आ गई है, पहले तो टाइफाइड की पॉलीसेक्राइड वैक्सीन होती थी जो हर 3 साल में 2 साल में लेनी पड़ती थी, अब कंजुगेट वैक्सीन आ गई है, इतनी इफेक्टिव है, पहले वाली टाइफाइड वैक्सीन वाज नॉट इफेक्टिव, मतलब कम इफेक्टिव थी, इफेक्टिव तो थी पर कम इफेक्टिव थी और बार बार रिपीट करनी पड़ती थी, अब टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन आ गई है, इट्स वेरी इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। And sir, to conclude this interview, मैं चाहूंगी कि आप advice या फिर recommend करें हमारे audience को कि वैक्सीन लेना कितना जरूरी है, या फिर जो भी आप advice देना चाहें इससे related। मैं तो मैम ये कहूंगा कि एक तो सारी वैक्सीन बच्चों को भी और बड़ों को लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन पहले तो आपको बीमार नहीं होने देगी, और अगर आपको बीमार हो भी गए तो आपको एडमिशन में नहीं पहुँचने देगी, आपको इंजेक्शन में नहीं पहुँचने देगी, आपका वर्क आवर्स का लॉस नहीं होगा, आप अपना काम कर सकते हैं, दवाई खा के काम कर सकते हैं, मतलब पहले तो बीमारी ही नहीं होगी, खुदा ना खास्ता बीमार हो भी गए तो आपको कोई वर्क आज का लॉस नहीं होगा, आपकी कोई नौकरी नहीं जाएगी, आपको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, आप सीरियस नहीं होंगे, सारी कॉम्प्लिकेशंस बच जाएंगी, तो आपको वैक्सीनेशन हमेशा जरूर लेनी चाहिए। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड मैम, ह्यूमन पेपिलोमा सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो इतनी इफेक्टिव है, सर्वाइकल कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर अमंग गर्ल्स आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, इफ यू हैव टेकन द वैक्सीन इट इज राइजिंग, सो इफ यू टेकन द वैक्सीन इट प्रिवेंट्स द कैंसर इन CIN0 एंड CIN1 एंड रिग्रेसेस द स्पीड ऑफ द स्प्रेड ऑफ कैंसर इन CIN2 एंड CIN3 स्टेज, तो इतनी इफेक्टिव होती है वैक्सीन। तो मुझे लगता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमने देखा ही है, चाहे पोलियो हो या फिर कोई भी बीमारी हो जिसकी वैक्सीन आई है तो हमेशा इफेक्टिव रही है। यस सर, वेरी इफेक्टिव। यस सर, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड फॉर द ग्रेट इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।